नमस्कार, मैं प्रिया, धराधर 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। झारखंड की राजधानी रांची में हुए हिंसा के मामले में पुलिस जांच में सामने आया है कि भीड़ को इकट्ठा करने के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप वासेपुर गैंग का इस्तेमाल किया गया था। पुलिस अब इस व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन की तलाश कर रहा है। रांची हिंसा के बाद से सोमवार को भी तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। 10 जून की हिंसक घटनाओं में शामिल आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए करबला चौक और अन्य क्षेत्रों में भारी पुलिस बल तैनात है। नेशनल हेराल्ड के इस मामले में राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ खत्म हो गई है। ईडी ने करीब 3 घंटे तक कांग्रेस नेता से पूछताछ की और कई अहम सवालों पर जवाब मांगा। इस दौरान प्रवर्तन निदेशालय ने पूछा कि आखिर उन्हें कैसे यंग इंडिया और एजेएल की डील से फायदा हुआ है। इसके अलावा राहुल गांधी से एजेंसी के अधिकारियों ने पूछा कि आपकी यंग इंडिया में क्या भूमिका थी और आप कैसे कंपनी के शेयर होल्डर बने थे। यंग इंडिया लिमिटेड में राहुल गांधी की 38% हिस्सेदारी है। राजस्थान में राज्यभर की 4 में से 2 सीटें जीतने की अपनी रणनीति के विफल होने पर भाजपा ने आत्मनिरीक्षण शुरू कर दिया है। भाजपा समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार को हार का सामना करना पड़ा था। वहीं पार्टी के एक विधायक ने कांग्रेस उम्मीदवार के पक्ष में मतदान किया था। राज्य में हस्तक्षेप चला ड्रामा 10 जून की देर शाम को खत्म हुआ, जिसमें सत्तारूढ़ कांग्रेस ने 3 सीटें जीती और भाजपा को अपने आधिकारिक उम्मीदवार घनश्याम तिवारी की जीत से ही संतोष करना पड़ा। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 5 मैचों की T20 इंटरनेशनल सीरीज खेली जा रही है। पहले 2 मैच दक्षिण अफ्रीका ने जीतकर सीरीज में 2-0 की बढ़त कायम कर ली है। अब भारत के लिए अगला मुकाबला करो या मरो वाला होगा। कटक में खेले गए दूसरे T20 इंटरनेशनल मैच में भुवनेश्वर कुमार ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 4 ओवर में महज 13 रन देकर 4 विकेट झटके थे, लेकिन इसके बावजूद उनके खाते में 51 रिकॉर्ड दर्ज हो गया। बिहार में आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जून महीने का दूसरा जनता दरबार लगाया था, जहां पर सभी फरियादियों की फरियाद सुनी गई। इसके साथ ही जैसे जैसे शिकायतें सामने आते रही, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तुरंत ही आदेश जारी करते हुए सभी शिकायतों का ससमय पर निवारण करने का आदेश जारी किया है। पैगंबर मोहम्मद पर विवादित बयान देने वाले नुपुर शर्मा को कोलकाता पुलिस ने नोटिस जारी किया है। पुलिस ने शर्मा को 20 जून को पूछताछ के लिए बुलाया है। भाजपा की निष्कासित प्रवक्ता के खिलाफ पूर्वी मोदिनीपुर में रविवार को FIR दर्ज हुई थी। पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में रविवार शाम पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ भाजपा के पूर्व प्रवक्ताओं की विवादित टिप्पणियों को लेकर कुछ लोगों ने बेथुआ डेहरी स्टेशन पर लोकल ट्रेन पर हमला किया था और उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी के समक्ष राहुल गांधी की पेशी को देखते हुए जांच एजेंसी की ऑफिस से बाहर भारी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती की गई। ईडी दफ्तर के अलावा राष्ट्रीय राजधानी के कई दूसरे इलाकों में भी पुलिस उपस्थित देखी जा सकती है। कांग्रेस सांसद कीर्ति चिदंबरम ने इसको लेकर केंद्र की भाजपा सरकार पर तंज भी कसा। उन्होंने कटाक्ष करते हुए सवाल किया कि आखिरकार बुलडोजर क्यों नहीं मंगाए गए। जयपुर और चंडीगढ़ के बीच यात्रा में लगने वाला समय इस हफ्ते से 3 घंटे तक घटने वाला है। साथ ही हरियाणा के दक्षिणी हिस्से जैसे कि महेंद्रगढ़, जिंद और नारडौल से चंडीगढ़ जाने में 2-3 घंटे ही लगेंगे। दरअसल NHAI इस कॉरिडोर पर 227 किलोमीटर के नए ग्रीनफील्ड लिंक को खोलने के लिए तैयार है। इन दिनों लद्दाख स्थित कारगिल जिला मुख्यालय में एक बौद्ध यात्रा चर्चा में बनी हुई है। इसका कारण यह है कि धर्मगुरु चोस्क योंग बालगा रिनपोछे अपने अनुयायियों के साथ ही यात्रा कर रहे हैं और उनका लक्ष्य कारगिल में एक विवादास्पद स्थान पर एक मठ का पत्थर रखना है। इस पर कुछ मुस्लिम समुदाय के सदस्यों ने आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि इससे माहौल खराब हो सकता है। हरियाणा के राज्यसभा चुनाव में भाजपा के निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा को समर्थन किया था और उन्हें जीत भी दिलाई। कार्तिकेय शर्मा मीडिया कारोबारी है और पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा के बेटे हैं, जो एक दौर में कांग्रेस के दिग्गज नेता भी थे। ऐसे में सवाल यह है कि कार्तिकेय शर्मा का भाजपा ने क्यों समर्थन किया और उसे क्या उम्मीदें हैं। भाजपा के सूत्रों का कहना है कि सीएम मनोहर लाल खट्टर और विनोद शर्मा के बीच बीते कुछ दिनों से रिश्ते मजबूत हुए हैं। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या में वांटेड संतोष जाधव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि आरोपी की गिरफ्तारी महाराष्ट्र में दर्ज हत्या के दूसरे मामले में हुई है। जाधव सिंगर हत्याकांड में भी विवादित आरोपी है। आरोपी के खिलाफ महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने इस साल जो अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट जारी किए हैं, उनमें से अधिकतर अमेरिका और कनाडा के लिए हैं। अधिकारियों ने आधिकारिक आंकड़ों के हवाले से बताया है कि विदेशी यात्राओं पर लगी पाबंदियों में ढील के बाद अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट की मांग इस साल बढ़ी है। ओडिशा के मलकानगिरी जिले माओवादियों से सहानुभूति रखने वाले 295 सक्रिय मिलिशिया ने आत्मसमर्पण कर दिया है। इनमें स्वाभिमान अंचल के पूर्व वामपंथी उग्रवाद के गढ़ के 4 गांव के मिलिशिया, स्थानीय ग्राम समिति के सदस्य, माओवादियों से सहानुभूति रखने वाले और गणनाट्य संघ जैसे माओवादी संगठनों के सदस्य शामिल हैं। पुलिस अधिकारियों ने कहा है कि जंत्री ग्राम पंचायत के धाकड़ पदार, डाबुगुडा, ताबेर और अलिकपाड़ा गांव के 295 पुरुषों और महिलाओं में BSF शिविर में आयोजित समारोह में आत्मसमर्पण कर चुके हैं।
कोविड 19 के मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। एक बार फिर से देश में 8000 से ज्यादा मामलों की पुष्टि हुई है और इस दौरान 4000 से ज्यादा लोग ठीक हुए हैं, जिसके बाद ही अब तक कोविड 19 को 4,26,52,743 लोग मात दे चुके हैं और ठीक हो चुके हैं। फिलहाल रिकवरी रेट भारत में 98.68% है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी के सामने राहुल गांधी की पेशी से पहले उनके बहनोई रॉबर्ट वाड्रा सोमवार को उनके समर्थन में खुलकर सामने आए हैं। साथ ही कहा है कि वो गांधी सभी निराधार आरोपों से बहुत जल्द बरी होंगे। वाड्रा ने अपने मामले का भी हवाला देते हुए कहा कि कैसे उन्हें 15 बार तलब किया गया और प्रवर्तन निदेशालय ने उनसे पूछताछ की थी, मैंने उनके सभी सवालों का जवाब दिया, ठीक उसी तरह राहुल गांधी पर लगे सभी आरोप बेबुनियाद साबित होंगे। बॉलीवुड के फिर ड्रग्स का मामला एक बार फिर से सामने आया है। बीते 2 साल से कई बॉलीवुड सेलेब्स का ड्रग्स केस में नाम सामने आ चुका है। अब मशहूर बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर के भाई सिद्धांत कपूर को बीती रात बेंगलुरु के एक होटल से एक रेव पार्टी में पुलिस छापेमारी के दौरान हिरासत में लिया गया। इस मामले पर अब सिद्धांत कपूर के पिता और मशहूर एक्टर शक्ति कपूर का बयान सामने आया है। शक्ति ने कहा है कि मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था, जब मैं सुबह 9 बजे उठा तो खबर आ रही है कि उसे हिरासत में ले लिया गया है, मुझे पता नहीं है, पूरा परिवार संपर्क करने की कोशिश कर रहा है, कोई कॉल नहीं उठा रहा, मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है, ये संभव नहीं हो सकता। 4 जून से शुरू हुए खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आज समापन होगा। इस अवसर पर हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय कार्यक्रम में बतौर चीफ गेस्ट शिरकत करेंगे। शाम 5 बजे इस खेल महाकुंभ के समापन के मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर भी कार्यक्रम में विशेष रूप से मौजूद रहेंगे। पैगंबर मोहम्मद पर भाजपा के पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा की टिप्पणी से शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। ये विरोध भारत सहित विदेशों में भी फैल गया है। जानकारी के मुताबिक कुवैत में पैगंबर पर टिप्पणी के विरोध में एक प्रदर्शन किया गया था, जिस पर वहां की सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। कुवैत के फहील इलाके में कुछ प्रवासियों ने नुपुर शर्मा के बयान के विरोध में नारेबाजी की, जिसके बाद कुवैत सरकार ने उन्हें गिरफ्तार करने का निर्देश जारी किया है। कर अधिकारियों के लिए आम करदाताओं के बीच कर साक्षरता का प्रसार करना हमेशा एक चुनौती रही है। ऐसे में युवाओं के बीच जटिल माने जाने वाले कालाधन की समझ बढ़ाने के लिए ही केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने अधिकारियों ने अनूठी पहल की है। कर अधिकारियों ने खेल से सीखने के तरीकों के माध्यम से कर साक्षरता का प्रसार करने के लिए एक नया दृष्टिकोण अपनाया है। हाई स्कूल के स्टूडेंट्स को इसे समझने के लिए गेम पहेली और कॉमिक्स की मदद ली गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आज मसूरी दौरा देखने को मिला। राजनाथ सिंह करीब 11 बजे एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर से मसूरी के सेंट जॉर्ज कॉलेज हेलीपैड पर उतरे। यहां से सड़क मार्ग से होते हुए मसूरी लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक एकेडमी में आयोजित होने वाले ज्वाइंट सिविल मिलिट्री ट्रेनिंग प्रोग्राम का शुभारंभ करते देखे गए। ये कार्यक्रम लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक एकेडमी के संपूर्णानंद ऑडिटोरियम में किया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 2 दिवसीय कर्नाटक दौरे पर है। राष्ट्रपति सोमवार सुबह राजधानी बेंगलुरु पहुंचे। राष्ट्रपति का विमान HAL एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। राष्ट्रपति के साथ उनकी पत्नी सविता भी साथ में थी। राज्यपाल थावरचंद गहलोत और राज्य के CM बसवराज बोम्मई ने उनका स्वागत किया। ब्रह्मोस एरोस्पेस के CEO और MD अतुल राणे सोमवार को उन्होंने अपना बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि भारत रूस रक्षा संयुक्त उद्यम ब्रह्मोस एरोस्पेस हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने में सक्षम है और 5 से 6 साल में अपनी पहली ऐसी मिसाइल बनाने में सक्षम होगा। अतुल राणे ने कहा है कि ब्रह्मोस एरोस्पेस हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने में सक्षम है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने असम में एक राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क परियोजना में कथित अनियमितताओं के संबंध में शिलांग, गुवाहाटी, गुरुग्राम और बेंगलुरु में कई स्थानों पर तलाशी ली। इस दौरान CBI ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और GR इंफ्रा प्रोजेक्ट्स के कुछ अधिकारियों को हिरासत में लिया है। पिछले कुछ हफ्तों से भारतीय शेयर बाजारों में गिरावट देखने को मिल रही है। विदेशी संस्थागत निवेशक लगातार अपने पैसे भारतीय पूंजी बाजार से निकाल रहे हैं। सोमवार को शुरुआती कारोबार के दौरान BSE का सेंसेक्स 1568.02 अंक टूट गया और 52734.98 के स्तर पर आ गया। सोमवार को सेंसेक्स में 1500 अंक गिरावट देखने को मिली, जिसका व्यापक असर बाजार पर पड़ा है। भारत के उत्तरी हिस्से में मौजूद कश्मीर को यूं ही धरती का स्वर्ग नहीं माना जाता। यहां के बर्फ से ढके पहाड़ और खूबसूरत वादियों में कोई भी खो सकता है। यही वजह भी है कि सभी लोग जिंदगी में एक बार कश्मीर जरूर जाना चाहते हैं। खासतौर पर गर्मी की छुट्टियों में लोग यहां जाने की प्लानिंग जरूर करते हैं। महिंद्रा स्कॉर्पियो N के लॉन्च होने का इंतजार हर कोई कर रहा है। कंपनी इस गाड़ी को 27 जून को इंडियन मार्केट में उतारने के लिए तैयार है। जैसे जैसे इस गाड़ी की लॉन्चिंग डेट करीब आ रही है, इस गाड़ी के विवरण का धीरे धीरे खुलासा हो रहा है। हाल ही में इस गाड़ी डायमेंशन लीक हुआ है, जिससे ये पता चल रहा है कि आने वाली महिंद्रा स्कॉर्पियो N टाटा सफारी से बड़ी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जब किसी विदेशी दौरे पर जाते हैं तो उनके साथ स्पेशल बॉडीगार्ड भी जाते हैं, जिनका नाम जानकर आपको हैरानी हो सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक ये स्पेशल बॉडीगार्ड पुतिन के मल मूत्र इकट्ठा करते हैं और सूटकेस में वापस मॉस्को भेज देते हैं। उनकी ड्यूटी ये भी होती है कि वो राष्ट्रपति की सेहत का ध्यान रखे और उनकी आवश्यकताएं पूरी करे।
दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और भाजपा सांसद प्रवेश वर्मा के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश देने की मांग वाली याचिका सोमवार को खारिज कर दी है। CPIM नेता वृंदा करात ने एक निचली अदालत के आदेश को चुनौती देते हुए ये याचिका दर्ज की है। देश के अलग अलग राज्यों में लोगों के जीवन जीने के आयु भी भिन्न भिन्न है। हालिया जारी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीयों की औसत उम्र पिछले 10 साल में 2 वर्ष बढ़ गई है। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक भारतीयों की औसत आयु बढ़कर 69.7 वर्ष हो गई है, जो 10 साल पहले करीब 67 साल थी। वहीं बिहार और झारखंड को लेकर जारी आंकड़ों में कहा गया है कि दोनों राज्यों में महिलाओं की तुलना में पुरुषों की आयु अधिक लंबी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ED से पूछताछ के बाद तुरंत अपनी मां सोनिया गांधी से मिलने पहुंचे। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, सोनिया गांधी COVID-19 से संक्रमित है और इस दौरान उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी, जिसके बाद से वो सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती है, जहां पर ही पूछताछ के बाद राहुल गांधी उनसे मुलाकात करने पहुंचे। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर ने हमारे सवालों का सही जवाब दिया है, उनके नाम है रविराज ऑफिशियल, दिलीप राम, जितेंद्र ठाकुर, नुन्नू कुमार, शेखर सिंह, मिंटू कुमार, रुस्तम MD, विक्रम कुमार, नरेंद्र सिंह, नंद किशोर। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार दक्षिण अफ्रीका के हाथों भारत की हार का अहम कारण क्या हो सकता है? अपने जवाब हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।